मिस्टर जोसेफ कहाँ है? वो उधर। थैंक यू। हेलो मिस्टर जोसेफ। हेलो डिसोजा, बहुत दिनों बाद आए। एक काम लाया हूँ। तुम खाली हाथ कब आए? लाला जी, ये हैं सूरजपुर के लाला रणछोड़ सिंह और आप मिस्टर जोसेफ जी। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। हाँ तो काम बताओ लाला। एक बच्चे को ढूंढना है, जिंदा या मुर्दा। काम की कीमत 10 लाख रुपया। 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। 5 लाख काम से पहले, 5 लाख काम के बाद। सुनो, क्या है? देवधर साहब से मिलना है। साहब यहाँ नहीं है, मिलना है तो उनके घर पर जाइए। साले झूठ बोलता है। अरे, दे। जानते हो कल के अखबार में क्या छपने वाला है? ये मैं आज कैसे बता सकता हूँ? मैं बताता हूँ, राज्य के मुख्य उद्योगपति देवधर गुप्ता की क्रूर हत्या। लेकिन कल के अखबार में छपने वाली खबर आप आज कैसे जानते हैं? मेरे बच्चे बड़े काबिल हैं। कौन हो तुम लोग? यमदूत। क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। क्यों? मौत किसी को बताकर नहीं आती। मुझे जिंदगी दे दो, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हम तुम्हें मारेंगे और मुंह मांगी कीमत लेंगे। बच्चे सड़क पे नहीं खेलते। आइए आइए पियाजी, आइए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, तनिक जलपान वलपान कर लीजिए, सुस्ता लीजिए, सफर में थक गए होंगे। हम लोग कभी थकते नहीं लाला। दुनिया परखे बार बार, बनिया परखे एक बार। प्याजी, हम तो पहली नजर में ही तार गए थे कि आप लोग मर्द हैं, और मर्द लोग कभी थकते हैं भला? हमें चापलूसी भी पसंद नहीं लाला। लाला, जब भी मुंह खोला करो, काम की बात बोला करो। है तो ससुरा इतना सा, लेकिन है एक नंबर का शैतान। लो प्याजी, आप भी देख लो। ये तस्वीर देख के आप लोग चौंक क्यों गए? ये बच्चा
हमारे हाथ आ गया था लाला। अरे अरे तो निकल कैसे गया भैया ठेंगा दिखा के? मेरा मतलब है कि बच्चा मिला कहाँ था? उस दिन बच्चा इसी लड़की के साथ था ना देवा? जीवा रामा हट जा रास्ते से, जाने दो लड़की को, जा भाग। तुमने उसे जाने क्यों दिया? जाएगी नहीं तो जानोगे कैसे कि जाती है कहां? देवा नीचे उतर। ए लड़की, हमें ये बच्चा चाहिए जिंदा या मुर्दा। बोलिए चाचा। रुक जाओ। तुम लोगों ने जितनी गोलियां नहीं देखी उतनी तो मैं दुश्मनों के सीने में उतार चुका हूं। इन हाथों में बंदूक हो और बंदूक में गोलियां हो तो ये लगड़ा तुम जैसे 100 पर भी भारी है। बापू, जरा इधर देख लंगड़े, जान जाएगा कौन किस पे भारी है। तेरी बेटी की तकदीर मेरे हाथ में है, बच्चा हमारे हवाले कर दे वरना इसके माथे पर मौत लिख दूंगा। मैं दीदी को मत मारो, मैं दीदी को मत मारो, मैं दीदी को छोड़ दो। अब क्या सोच रहा है फौजी? नमक हलाल नौकर कभी नमक हरामी नहीं करते। अपने मालिक की अमानत को जिंदा देखना चाहता है तो बंदूक फेंक दे। बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया। हाँ यार, उन चारों ने से ढूंढ लिया। लाला जी कहाँ? लाला जी तो नहीं है लेकिन सरकार ऊपर है। सरकार ऊपर है? अच्छा। अरे सुनो तो, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं यार, बड़ी भूख लगी है। ए लड़के चल खाना बना। जानी तूने कहा ना खाना बना? हाथ चलाती है साली, हाथ चलाती है। ये नखरे किसी और को दिखाना समझी? चल चुपचाप उठ के खाना बना। मुंह लटका के क्या बैठा है मोटे, पीना साले? मैं नहीं पीऊंगा। वो लंगड़ा इसका बाप लगता था ना, उसका गम मना रहा है ये सर। हाँ अब तो उसकी तेरहवीं मना के पिएगा, है ना मोटे? ए रामा, लोग क्या पी रहे हो? हम लोग दालू पी ले। को भी पी रहे? अरे वाह, शेर का बच्चा है यार। ले तू भी दारू पी, ले पी ले। हम पियेंगे, हम पियेंगे। दारू पिएगा, दारू पिएगा, हाँ बदमाश बनेगा और एक दिन निर्दोष लोगों का खून पिएगा। तू दिल दे दे चमेली। चाचा दिल दे दे, वरना हम तो वो है कि कोई प्यार से नहीं देता तो छीन लेते हैं। बोल दिल देगी कि नहीं? नहीं। ए चमेली दिल देगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। बोल चमेली दिल देगी? नहीं। चूमने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे चूमने वाले तो बस चूम लेते हैं।
मटके से पानी जरा दे गोरिये, थोड़ा मटके से पानी जरा दे गोरिये, मैं तो कब से हूँ प्यासा खड़ा दे गोरिये, थोड़ा मटके से पानी जरा दे गोरिये। जा मटकी न छूना जवानी छोरे, जा मटकी न छूना जवानी छोरे, पानी पीने के बहाने डालेगा डोरे, जा मटकी न छूना जवानी छोरे, थोड़ा मटके से पानी जरा। हम कहेंगे नहीं, राजा नीचे रख दो, नहीं छोड़ दो, कहेंगे नहीं राजा, ये जहर है, खाओगे तो मर जाओगे। ए राजा कहाँ भाग रहे हैं? मैं तुम लोगों के लिए लकड़ियाँ जमा करने जा रहा हूँ। हमारे लिए लकड़ियाँ जमा करने क्यों? तुम लोगों को जलाने के लिए। जलाने के लिए क्यों? तुम लोग मर जाओगे इसलिए। मर जाएंगे क्यों? दीदी ने खाने में सेब मिलाया। राजा तो बच्चा है, इसे क्या मालूम, इसकी बात का क्या भरोसा? हाँ, तुम ठीक कहती हो, इसकी बात का क्या भरोसा, हम भरोसा करेंगे तो तुम्हारी बात का। ठीक है, तुम न सही राजा सही, आखिर पता तो यही लगाना है ना कि खाने में जहर है या नहीं। बीमा लड़की के हाथ पैर बांधो। जीवा लड़की को खामोश कर दो। तो बच्चा है, उसे मार के क्या मिलेगा तुम लोगों को? नहीं राजा को छोड़ दो, उसके बाद सुनिए जी, ये ट्रैफिक क्यों जाम है? आगे पहाड़ धस गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। सूरजपुर जाने का और कोई रास्ता है? जी नहीं, यही एक रास्ता है। ये सड़क कब तक ठीक हो जाएगी? कुछ कह नहीं सकते, एक सप्ताह भी लग सकता है, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। अब क्या करें? चलो वापस वहीं चलते हैं। वहां क्यों जाएं? कहीं और भी तो ठहर सकते हैं। बच्चे को उस जगह की आदत हो चुकी है, उसे संभालने में तकलीफ नहीं होगी। चलो वापस चलो। जीवा जीवा हाँ जरा यहां ना। और लड़की के हाथ पांव खोल दो। वाह, गोली चलाने से पहले ही लड़की को खामोश कर दिया, अब मुंह लटकाए क्या खड़ा है? अंदर जा और उसके मुंह से रुमाल निकाल के अपने चेहरे की ये घबराहट पहुंच ले। मजा आ गया यार। ये जहर है, मैंने सिर्फ आधी बोतल ही डाला। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, मैं तो सुबह की बात कर रही थी। भी खाएंगे। आजा। ले खा। आने दे, इधर देना। अबे मोटे। साली कभी जहर खिलाती है, कभी जान लुटाती है, ये चक्कर क्या है देवा? उसे ये गलतफहमी हो गई है कि हमने उसे बच्चा हमेशा के लिए वापस कर दिया। उसे क्या मालूम कि रास्ता बंद हो गया है और हम यहाँ चंद दिनों के मेहमान हैं। बचा लो, बचा लो, अपनी चमेली को बचा लो रामा, जाओ मेरी इज्जत लूट लेंगे। एक मार की तरह मेरा हाथ थमाता, वो तो कितना काम हो गया छिपा रहा है। जवानी के जोश में मार समझे कि भूल की थी मैंने तुझे। ले ले
तू ही तो अकेला है इस घर में मर्द, चल तू भी निकाल अपनी चेन। और कहां लगी है चोट? चाचा, तुमने उस डाकू को क्या मारा? मजा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मारा? ऐसे। अब रहने दे, कोई जरूरत नहीं इस नाटक वाटक की। तो इसको नाटक समझता है? तब तो बड़ी गालियां दे रही थी, जवानी के जोश में तुझे मर समझने की भूल की थी। ले पहन ले चूड़िया, अब नखरे कर रही है साली। मेरी बेइज्जती देख के भी तू पास नहीं आया तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? तो तू क्या समझती है, तेरी बेइज्जती देख के मुझे अच्छा लग रहा था? अच्छा जी, तो फिर कैसा लग रहा था? ऐसा। ए, छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो? तो वहां चले। कहां? जहां कोई नहीं देखेगा। रामा, फटाफट सामान पैक करो। भीमा, इंजन में पानी डालो। जीवा, बच्चे को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि रास्ता खुल गया है। चलो चलो, खड़े क्या हो, जल्दी करो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? देवा, कल हमने भगवान से वादा किया है कि हमारे हाथों किसी निर्दोष की हत्या नहीं होगी। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग डाकू से साधु बन गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं तो अकेला ही सही। ज्यादा शोर मचाया तो टेंट दबा दूंगा। बित्ते भर का छोरा और इतनी लंबी जुबान, दो थप्पड़ लगाऊंगा यही ढेर हो जाएगा। थप्पड़ महंगे, तू ढेर हो जाएगा। ज्यादा बकबक की तो गोली मार दूंगा। पे गोली चलाता है। अबे मर्द की औलाद है तो मुझे मार। योगी देवा साहब, माफ कर दो, अब बच्चे को नहीं मारूंगा। अब अगर बच्चे का नाम भी तेरी जबान पर आया तो चीर के रख दूंगा तुझे। ये सरासर बेईमानी है देवा साहब, एक बच्चे के लिए आप अपने ईमान को धोखा दे रहे हैं। इस बच्चे के लिए मैं अपने ईमान को तो क्या, अब मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ। ये सुसरे खेती कब से करने लगे? पियाजी, पियाजी, यही है वो चारों जिन्होंने मेरे भतीजे को अगवा किया है। घेर लो इन सबको, कोई भाग ना पाए। पियाजी, वो रहा मेरा भतीजा राजा, राजा। लेकिन ये तो हमारा भतीजा है। क्या मतलब? ये तुम्हारा भतीजा हो गया? मतलब ये हमारा भतीजा है। अभी पता लगेगा।
बेटे ये कौन है? अक्षय चाचा। सुना पियाजी, इसने मुझे चाचा कहा। लेकिन लाला, इसने राक्षस क्यों कहा? इसकी शक्ल ही ऐसी है। चाहे जैसी शक्ल हो मगर इसने मुझे चाचा तो कहा ना। हो गया फैसला। पियाजी अब सोच क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें। रुक जाओ। अच्छा राजा, ये कौन है? पुलिस चाचा। इसने तो मुझे भी चाचा कहा। तो क्या ये आपका भतीजा हो गया? हरगिज नहीं। तो फिर ये इसका भतीजा कैसे हो गया? ये मेरा भतीजा है पियाजी। फैसला बच्चे पे छोड़ते हैं। हाँ। बेटे तुम किसके साथ रहना चाहते हो? इनके साथ। ये पूरे गांव की मिली भगत है पियाजी, पूरे गांव की। ए लाला, जाकर अपनी आंखों और दिमाग का इलाज करवाओ। किसी के भी बच्चे को अपना बच्चा समझते हो? आइंदा ऐसी हरकत है की तो अंदर कर दूंगा, समझे? चलो। अरे पियाजी पियाजी पियाजी, आप बात तो सुने। अरे ये, अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? सच सच पता लाला, तू इस बच्चे को क्यों मारना चाहता है? पता नहीं तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। चाचा जी इन्हें मत मारो। देखा लाला, जिसे तू मारना चाहता है वही बचा रहा है तुझे, पता? ठाकुर विकराल सिंह इसे मारना चाहता है। मगर क्यों? सूरजपुर के महल और उसकी जायदाद के लिए। सूरजपुर के राजा वीर प्रताप सिंह के कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने अपनी दासी के बेटे विशाल सिंह को गोद ले लिया। ये राजा उसी का बेटा है। कुछ समय बाद महारानी के बच्चा हुआ। ये विकराल सिंह वही है, एक नंबर का अत्याचारी और अय्याश। महाराज की वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम चल अचल संपत्ति के वारिस आप नहीं है, बल्कि उनके गोद लिए बेटे विशाल सिंह के 6 महीने का बेटा राजा होगा। नहीं हरामजादे, तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। विशाल सिंह ने महाराज को बहुत समझाया कि विकराल अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, उसे उसके हक से बेदखल मत कीजिए, मगर महाराज ने उसकी एक ना सुनी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राजा था और राजा की जिंदगी जीऊंगा। मैं उस दासी के बेटे को मार दूंगा, उसके दूध बुए बेटे को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। और जब वो जेल से सजा काट कर आया तो उसने राजा और उसके माँ बाप को खत्म करने का हुक्म दे दिया। राजा को तो फौजी ने बचा लिया, मगर विकराल सिंह ने उसके माँ बाप को खत्म करवा दिया। पर क्योंकि महाराज ने राजा के नाम सूरजपुर का राजमहल और उसकी सारी जायदाद कर दी थी, इसलिए विकराल सिंह राजा को मरवा कर कानूनन सारी जायदाद का मालिक बन जाना चाहता है। लाला, जाकर कह देना विकराल से कि राजा अब हमारी पनाह में है। गलती हो गई पियाजी, माफ कर दीजिए। कहते हैं आदमी बूढ़ा तब होता है जब वो अपने पैरों से ज्यादा अपनी लाठी पे भरोसा करने लगता है। तुझ पर भी भरोसा करके मैंने यही गलती की लाला, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ। बहुत जान है मेरे पैरों में, ले चल मुझे उस हरामजादे के पास जिसे अपने बच्चों की ताकत और वफादारी पे बहुत घमंड है। सुना था मेरे बच्चे बदल गए हैं, मगर इतना बदल जाएंगे ये सोचा भी नहीं था। जोसेफ अंकल मर गया तुम्हारा? जोसेफ अंकल, पाल पोस कर तुम लोगों को इसीलिए बड़ा किया था कि कोई दो टके का आदमी आकर सरेआम मेरी गैरत को ललकारे, सबके सामने मुझे जलील करे। किसने तुमको जलील किया? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े तो मैं तुम सबके कर देता, मेरी जबान के टुकड़े टुकड़े करने के गुनाह नहीं, अगर तुम लोग मेरे दिल के टुकड़े ना होते। मगर इतना याद रखो कि मैं अपने दिल और अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान से मोहब्बत करता हूं, इसलिए उठाओ इसे और ले जाकर उस कमबख्त के मुंह पर मार दो। लगता है ये काम भी मुझे ही करना होगा। मैंने इस बच्चे को जिंदा या मुर्दा लाने का वचन दिया था, तुम इसे जिंदा नहीं ले जा सके, मैं इसकी लाश ले जाऊंगा। नहीं! मेरी खिलाफत में उठाया गया तुम्हारा एक भी कदम मेरे खिलाफ जंग का ऐलान होगा, और इस जंग में खुदा करे तुम्हारे हाथों अगर मेरी मौत होती है तो एक बेईमान की जिल्लत भरी जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, और खुदा ना करे
मेरे हाथों तुम लोगों की मौत होती है तो मैं चीख चीख कर सारी दुनिया से कहूंगा कि किसी अनाथ किसी बेसहारा को अपने सीने से न लगाना, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वो एक दिन तुम्हारी पीठ में खंजर भोंक देगा। ऐसा मत कहो अंकल, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुम ये चाहते हो ना कि हम इस मासूम को उस कसाई के हाथों सौंप दें, हमें मंजूर है। लेकिन ये मत कहो कि किसी अनाथ को अपने सीने से न लगाना, क्योंकि तुम्हारी तरह हमने भी इस अनाथ को अपने सीने से लगाया है। चलो। ले जाओ ले जाओ, मैं छोड़ूंगा मत जाओ। मैंने तुझे गलत समझा था जोसेफ, तू तो सचमुच अपने वचन का पक्का है। लाला जी, पियाजी यकीन ना हो तो खोल के देख ले जोसेफ, मैं तेरे बच्चों की तरह बेईमान नहीं। हराम सादे, रुक जाओ, मैं कहता हूँ वापस चले। काल, जो लोग खून का घूंट पीना जानते हैं, जब उनका खून खौलता है तो इस दुनिया का हर कुत्ता अपनी किस्मत पे रोता है। चलो चलो जाओ। इस ज्वालामुखी को रोकना तेरे बस में नहीं है विकराल, क्योंकि आज इनकी रगों में खून नहीं लावा दौड़ रहा है। अगर ये आज तुझ पर थूक भी देते तो तू जलकर राख हो जाता। अब ये रोना धोना बंद करो और एक नई मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने बच्चा उसे सौंप दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया और मेरा वचन पूरा हो गया। अब मैं तुम्हें एक नया काम देता हूं, जाओ और जाकर अपने बच्चे को उस कमीने के हाथों से छुड़ा के ले आओ। जिंदा या मुर्दा नहीं, जिंदा। माना कि मैं बहुत बेरहम हूं, लेकिन तुम जैसे पत्थरों को रोता हुआ देखकर तो यमराज का कलेजा भी फट जाए, फिर मैं तो तुम्हारा जोसेफ अंकल हूं। जा, देर ना करो, कहीं वो कमीना अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। जाओ मेरे बच्चों, जल्दी जाओ। कुछ ही देर की बात है जानेमान, फिर मैं इस विशाल संपत्ति का कानूनन मालिक बन जाऊंगा, अपनी रियासत का बेताज बादशाह। उस बच्चे को मिटाकर जुल्म सितम का ऐसा इतिहास बनाऊंगा मैं कि रावण और कंस की आत्मा भी कांप उठेगी। कितने रावण कितने कंस मिट गए जुल्म सितम की राह में, तो तू क्या उसे मिटाएगा जो है उसकी पनाह में। तुम जैसे छोटे मोटे दरख्तों के रोकने से तूफान नहीं रुका करते, बल्कि अपनी बर्बादी के सैलाब में बड़ी बड़ी आबादियों को बहा ले जाते हैं। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो विकराल, पहाड़ों से टकरा कर चूर चूर हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा पाला ऐसे सिर फिरों से पड़ गया है विकराल, जो एक हथेले में अपनी जान और दूसरी में मौत का सामान लिए फिरते हैं। न जाने किस मनुष्य कलम से अपनी तकदीर लिखा लाया विकराल, कि जिंदगी भर तू दौलत मांगता रहा, नहीं मिली। अब तू जिंदगी मांगेगा तो वो भी नहीं मिलेगी। राजा कहाँ है विकराल? राजा, मौत उसकी ओर कदम बढ़ा चुकी है। देवा साहब, बच्चा महल के पीछे रानी जी की बाड़ी में कह दे, वहां एक नीली पगड़ी वाला चौकीदार बैठा होगा। पीछा करो। लाला, देवा तुम बच्चे के पास जाओ, मैं यहां संभालता हूं। जाओ जाओ। राजा, राजा, गुच्चा चाचा, गुच्चा चाचा,
जाओ, मैं से देखता हूं। जोसेफ अंकल, रोइए मत। देखिए, हमने अपने फौजी को बचा लिया। राजा बेटा, तुझे ये बहुत पसंद है ना? हाँ गुच्छा चाचा। देवा, 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 चाचा, तू तो देवता बन गया।